हाय, मैं हूँ मेघा एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है डेविस कप फैन लाउंज में। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट है और वो है डेविस कप के कोच जीशान अली। हेलो सर, वेलकम। थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग सर? बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। सर, आप इंडिया की टीम को कोच कर रहे हैं एंड आप टेनिस के प्लेयर भी रह चुके हैं, इतने बड़े आपने इंडिया का नाम रोशन किया है, तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं खुद को जब प्लेयर होते हैं फील्ड पर एंड जब कोच कर रहे होते हैं? तो बहुत ही अलग फीलिंग है ऑब्वियसली एज अ प्लेयर, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। पहले एज अ प्लेयर ऑब्वियसली मैं जो भी कर रहा हूँ वो कोर्ट पे किया जाता है। अभी जो है इट्स यू नो ऑफ द सीन काइंड ऑफ अ थिंग। पहले हम अपने आप को प्रिपेयर करते थे मैच खेलने के लिए, अभी जो है हमें प्लेयर्स को प्रिपेयर करना है मैच के लिए। तो ऑब्वियसली एज अ प्लेयर जितने साल हमने खेला है प्रोफेशनल टेनिस और यू नो इतने बड़े टूर्नामेंट्स जो खेला है, डेविस कप भी खेला हुआ है 8-9 साल के लिए, ये सब एक एक्सपीरियंस जो हमने ओवर द ईयर्स गैदर किया है, ये सब चीज़ें जो है अभी हम जो अपने प्लेयर्स हैं टीम के उनको मैं गाइड कर सकता हूँ, उनको अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू जो है उनको प्रिपेयर कर सकता हूँ मैचेस के लिए। और ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहा है मेरे लिए क्योंकि मैं टेनिस खेल चुका हूँ एट द वेरी हाईएस्ट लेवल और अभी जो प्लेयर्स को कोचिंग कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, उनको उनके दिमाग में क्या जा रहा है, उनके यू नो प्रिपरेशन में क्या कमी है नहीं है, ये सब चीज़ें जो हैं एज अ प्लेयर मैं उन्हें अभी गाइड कर सकता हूं और उन्हें अपनी एक्सपीरियंस जो है वो पास ऑन कर सकता हूं। तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एज अ कोच राइट नाउ। राइट। तो सर, आप खुद को अग्रेसिव कोच मानोगे या आप बहुत ही ऐसे शांत रहते हैं और काम रहते हैं और तब जाकर के अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं? नहीं, आई थिंक एज मेरी पर्सनालिटी जो है वो ज़्यादा काम और टाइप की है। मैं जब भी खेला भी करता था उस वक्त काफ़ी काम तरीके से ही खेलता था। ऑफ कोर्स सिचुएशन डिमांड्स यू नो इन अ पर्टिकुलर वे, अगर किसी को फायर अप होना है, जैसे मेरे को अगर फायर अप होना है और कम ऑन ये कुछ जो भी कुछ भी करना है तो वो सब भी होता था, लेकिन ऑन द होल आई एम अ मोर काम पर्सन। घर पे भी सब यही कहते हैं कि अगर किसी ने मेरे को गुस्सा करा दिया तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो एज अ कोच ऑल्सो आई थिंक दैट वर्क्स फॉर मी। आई थिंक बिल्कुल यू नो इस पे, और अगर प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी मेंटालिटी कैसी है, उनका मेंटल मेकअप कैसा है, उसको देख के जो है हमें भी उसको अप्रोच करना पड़ता है। अगर हम किसी यंग प्लेयर को कोचिंग कर रहे हैं और अगर हम अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं और अपना गुस्सा उसके ऊपर उतारते हैं तो दैट डजन वर्क। आई मीन इट मोर देन इनकरेजिंग हिम, आई थिंक इट इज़ मोर डिसकरेजिंग अ प्लेयर बिकॉज दे उनको ऑलरेडी इतना प्रेशर रहता है अपने यू नो पढ़ाई का प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, फिर यू नो और पीयर प्रेशर जो होता है कि यू नो परफॉर्म करें, रैंकिंग्स इम्प्रूव करें, और उस पर अगर कोच भी उनके ऊपर उतना ही प्रेशर डाल रहा है तो फिर ये अब गेम इन्जॉय नहीं करते हैं।